सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं पाठ 7 पिता का पद पुत्री के नाम आपको पाठ से अवगत कराई, पाठ को समझाई, पात्र के विषय में भी पूरी जानकारी, पिता कौन है, पुत्री कौन है पाठ के लिए, और पिता और पुत्री में पत्र के माध्यम से क्या क्या बातें हो रही हैं। तो अब बच्चों हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। तो अपने पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके विषय में मैं बताती हूँ। तो कठिन शब्द है साधारण, मामूली, साहसी, हिम्मत, पूर्ति, पूर्णता, उत्साह, जोश, लज्जित, शर्मिंदा, उद्देश्य, लक्ष्य, महान, उच्च, संदेह, शंका, निश्चय करना, स्थान लेना, अस्मरण, याददाश्त, वीरांगना, वीर स्त्री, असीम, बहुत। तो पाठ में आए कठिन शब्द के अर्थ से भी हम अवगत हुए, परंतु बच्चे जब आप पाठ को पढ़ेंगे उसमें पाठ के अंदर जो लाल रंगों से लिखे गए शब्द हैं, लाल रंग उसे हम रेखांकित करेंगे, उसे आप लोग रेखांकित करेंगे, उसे भी पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे और देख देख कर उसे लिखेंगे। लिखने से यह होता है कि मुझे मात्रा का ज्ञान होता है और लिखने के क्रम में मात्रा की गलती होने की संभावना कम होती है। तो बच्चे हम पाठ को पढ़ें, समझें और जानें। पुनः मैं पाठ के उद्देश्य से आपको अवगत कराती हूँ, इस पाठ को हम क्यों पढ़ें, इस पाठ को हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों दिया गया, उससे हम क्या जानकारी इससे प्राप्त हुई और क्यों इस पाठ को पढ़ना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हमें डरना पड़े और शर्मिंदा होना पड़े। तो बच्चों कभी भी कोई कार्य आप करते हैं तो सही गलत का निर्णय आप स्वयं लेंगे, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं वो गलत है या सही है उसका निर्णय आप स्वयं करेंगे, और आप जब इस बात का निर्णय करके जो कार्य करेंगे तो हमेशा उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। तो बच्चों पाठ को आप समझ लिए हैं, मुझे विश्वास है पाठ से आप अवगत हो गए, समझ लिए। तो बच्चों पाठ को पुनः पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद।